बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद की आदि जानी से जानी टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों में आज टूटने की मुझे दुआ करो। आज 10 नवंबर सैयद और जौम जुम्मत मुबारक है। जुमे का दिन जब भी आता है मुझे यूँ लगता है कि ये जनाब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मुझे अपनी बड़ी काम इलमी का एहसास होता है। आइना मासूमन फरमाते हैं कि जुमे को 3 वक्त इंतहाई मुजरब और कबूली दुआ के वक्त होते हैं। जब अजान जुमा होती हैं, आप जहाँ के भी अजान सुने, खसूसन हमारी बहनें बेटियाँ घरों में सुन के अजान सुन के दुआ कर सकती हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग भाई बच्चे जब जुमे के जाते हैं, जुमे के लिए जुमे को खुतबा मौलाना साहब दे के थोड़ी देर के लिए वफा करते हैं, ये वक्त भी इंतहाई कबूली दुआ का वक्त है। और तीसरा जब अकामत नमाज सरबंदी हो रही होती है, जब तक मौलाना साहब जुमे की नमाज के लिए अल्लाह अकबर के आगे ये संभालें, ये चंद नमाज भी कबूली दुआ के वक्त हैं। तो इन औकात को पाएँ तो जनाब आप कसरत से दुआएँ कर सकते हैं, मुनाजात कर सकते हैं। और जो मैंने आज वक्त निकालने की सआदत हासिल की आपको पेश करता हूँ। आज मेरे नज़दीक जो पहला वक्त है 3:08 से लेके 3:38 का वक्त है, और दूसरा वक्त 1:06 से लेके 1:36 का वक्त है, और तीसरा वक्त जो है शाम 5:05 से लेके 5:36 का वक्त है। ये तीनों अवकात इंतहाई मुजर्रब हैं। जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना बाइस बरकत है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, मलाइका खसूसी तौर पर उसका आज कई गुना अजर व सवाब अदा करते हैं। यहाँ कम अज़ कम 313 दफ़ा बलाग 313 दफ़ा दुरूद शरीफ में रुक के हर तस्बीह में रुक के दुआ करें। मस्जिद में जो लोग जाते हैं जुमे के लिए, वहाँ मस्जिद के अंदर कुछ साइल खुदा के नाम पर आपसे तलब कर रहे होते हैं, कुछ हदिया ज़रूर लेके जाए नजराना सरकार देने के लिए, उनकी मदद करें। मसाजिद के बाहर भी बहुत सारे मसाकीन गुरबा बैठे होते हैं, उनकी मदद करें। ना सिर्फ ये बल्कि जिनको आप जानते हैं उनको भी ख़ास तौर पर आज ज़रूर आप सदका, माली सदका दें, इखलाकी सदका दें, जो भी उनकी मदद है वो करें। आज का सदका आम जनों के सदका से कई गुना बढ़ जाता है। बल्कि सदक़े के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने लिए लिए नहीं बल्कि आपके जो गुज़श्तगान हैं जो दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम का सदका दें। परवरदिगार बड़ा करीम है कि आपकी 1 रुपये का जो अजर है वह 70 गुना मिलता है, और अगर आप वो हदिया कर दें अपने गुज़श्तगान को तो उसका 700 गुना उन्हें वहाँ आलम बरज़ख़ में अजर व सवाब मिलता है। कुल नफ्सुन ज़ाइक़ा तुल मौत, तो फिर जब हम वहाँ कभी जाएंगे तो उसका हम 7,000 गुना अजर पाएंगे। क्या नफ़े का सौदा, परवरदिगार ने सदक़ात में कैसी बरकत रखी है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता करे। आजकल इतने ख्याल से जाने को इजाज़त दीजिएगा। बेशर्ते ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।